आगरा के कागारोल थाना क्षेत्र में बीती रात जमीनी विवाद में दबंगों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना उस समय की है जब पीड़ित मामले के अधिकारियों से शिकायत करके लौट रहे थे। गांव पहुंचते ही दबंगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहीं फायरिंग में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गांव में तनाव देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मामला थाना क्षेत्र के विसैरा गांव का है, जहां गांव के ही एक दबंग ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया। उस जमीन पर वह निर्माण कर रहे थे। इसकी शिकायत गांव के लोगों ने DM और थाना में की थी। शिकायत करने के बाद जैसे ही वह गाँव पहुंचे तो पहले से ताक में बैठे दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसको कि राजद कर्मचारियों और पदाधिकारियों से मिलकर सुलझा दिया गया था, लेकिन अंदरूनी तनाव दोनों पक्षों में बना हुआ था। इसी जमीनी विवाद को लेकर आज शायद करीब 7 बजे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप प्रत्यारोप लगाया। इस फायरिंग में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। अशोक, उसका भाई जितेंद्र और एक गाँव की महिला सब, 3 खतरे से बाहर हैं।